हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब फाइन होंगे। मैं आपका जितेंद्र, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेक्नो का फोन जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, चार्जिंग सॉकेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, किस तरीके से रिपेयर होता है टेक्नो का फोन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको मोबाइल रिलेटेड ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है हमारा टेक्नो का फोन जिसमें चार्जिंग पोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले बैक पैनल ओपन करके नीचे के साइड जो भी स्क्रू है, जहाँ चार्जिंग पोर्ट आता है, उसको रिप्लेस करना है। आप वीडियो में देखते रहिए धीरे धीरे मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। तो सभी स्क्रू रिमूव करने के बाद जो चार्जिंग स्ट्रिप आती है, वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आता है, चार्जिंग जहाँ से अपना रिप्लेस करना है। सो सभी स्क्रू आराम से निकाल के साइड पर रख दीजिए। दोस्तों, ये है हमारी चार्जिंग स्ट्रिप जिसमें आपको चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना है, रिप्लेस करना है। सो इसको वाइब्रेटर आराम से निकालिए, क्योंकि वो चिपका हुआ रहता है, डैमेज ना हो इसका ध्यान रखना। इस तरीके से चार्जिंग स्ट्रिप रिमूव करके जो स्टैंड आता है उसमें फिट कर दीजिए, टेप लगा के, जहाँ पर हिट ना हो। इस तरीके से अब आप देख सकते हो टेप लगा के फिटिंग कर दीजिए। और हमें चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस करना है तो असेंबली मशीन के थ्रू हीट करके हमें चार्जिंग पोर्ट रिमूव करना है। तो असेंबली मशीन में हीटर ज़्यादा रखना है, 4, 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखना है। एकदम हीटिंग करके ही ये चार्जिंग पोर्ट रिमूव होता है जो डैमेज है। दो से तीन मिनट तक हीटिंग करके इस तरीके से हमारा चार्जिंग पोर्ट रिमूव हो गया है। चार्जिंग पोर्ट ये है डैमेज ओल्डेस्ट चार्जिंग पोर्ट। अब हमें जहाँ से चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस हुआ है, वहाँ पे पूरी जगह क्लीन करनी है थिनर से। सब कुछ जो ओल्डेस्ट सोल्डरिंग है वो सब रिमूव करना है डी सोल्डर वायर से। उसके बाद ही न्यू चार्जिंग पोर्ट फिट करना है सर्किट में। न्यू चार्जिंग पोर्ट में नीचे के साइड जो 5 पेयर होते हैं चार्जिंग पोर्ट के, जैसे 5 पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट पे सोल्डर लगाना है। पेस्टिंग करने के बाद इस तरीके से सोल्डर लगाइए, जिससे सोल्डरिंग होने के बाद एकदम फिटिंग अच्छे से आ जाए और लूज कनेक्शन ना हो। इसका खास ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी लूज कनेक्शन होता है चार्जिंग कनेक्टर फिटिंग करने के समय पर। तो चारों साइड से बराबर से चारों जो उसके जो कनेक्टिंग पेयर होते हैं सर्किट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें भी अच्छे से सोल्डरिंग कर दीजिए फ्रेंड्स। दोस्तों, ये हो गया हमारा चार्जिंग पोर्ट फिटिंग। आप देख सकते हो इस तरीके से अच्छे से फिटिंग कर दिया हम लोगों ने। अब चेक करना है सर्किट के हमारा चार्जिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से बेल्ट और वाइब्रेटर अच्छे से लगा दीजिए, लूज कनेक्शन ना हो उसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बैटरी लगा दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं, या तो फिर मीटर से चेक कर सकते हो आप चार्ज है कि नहीं अच्छे से। इस तरीके से आप चेक कर लीजिए चार्ज हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग स्टार्ट हो गया है दोस्तों, क्योंकि बैटरी लो है तो उसे 1 से 2% बढ़ने में टाइम लगेगा। तो अभी सर्किट अच्छे से फिटिंग कर लीजिए, सभी स्क्रू लगा दीजिए, उसके बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि, क्योंकि सर्किट में माइक होता है, फिर ईयरफोन जैक होता है, सभी चेक कर लीजिए कोई इशू ना हो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों।
सभी स्क्रू अच्छे से लगा दीजिए, फिर सिम डाल के नेटवर्क कनेक्टिविटी, माइक से वॉइस जा रहा है कि नहीं, साउंड क्वालिटी, ईयरफोन जैक, सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए दोस्तों। अब ये हो गया हमारा चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस। देख सकते हो आप स्क्रीन पे चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। न्यू चार्जिंग सॉकेट हमने फिटिंग कर दिया है। हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहे। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।